रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली खैर वफियत और खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी नवाजे, आमीन। आज ही मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ और मैं अपना व्लॉग नया शुरू करने लगी हूँ। मुझे कुछ मैं जो बनाने लगी हूँ रेसिपी, वो उसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह जी। ये मैं विंग्स बनाऊँगी, इसके जो उनसे ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। क्रम्स वाले विंग्स बनाऊँगी, दही पकौड़ियाँ बनाऊँगी और साथ ही यदि मैं आलू मोंगरी और उसमें शिमला मिर्च वगैरह ऐड करके ना ये बनाऊँगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करती हूँ जी। ये मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ है, इसमें मैं मोंगरे डाल दूँगी। मेरे पास ये 1 kg मोंगरे थे, मैंने इनको साफ करके बना दिया हुआ है। ये मैं डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा इसको बाल आ जाए, इसके फुंसी डोंसी ना थोड़ी सी कड़वाहट खत्म हो जाए, और फिर मसाले में भूनूंगी और आलुओं के साथ इसको बनाऊँगी जी। और साथ में जी ये मैंने यहाँ 4 आलू ले लिए थे, उनके मैंने पीसीस डाले हैं। ये 3-4 प्याज हैं, लेकिन मैं सारा नहीं डालूँगी, हाफ डालूंगी प्याज। मसाले कुछ इसके इस तरह हैं, 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी की, 1/2 चम्मच रेड मिर्च पिसी हुई, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच नमक। थोड़े से माइनर सा मैंने सफ़ेद जीरा लिया, इसमें बस बेसिक मसाले डालूंगी। और ये 7 क्रश की हुई सब्ज मिर्चें, शिमला मिर्चें 4 अदर, और 1 टमाटर है, और ये 2 जी दम पर डालूंगी जी। ये भी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैं इधर कर लेती हूँ। इनको मैंने उबाल करने के लिए रख दिया है। और ये जो क्रम्स है मैंने विंग्स के बनाने हैं, तो इसके मैं ना आपको इसका मैरिनेशन करके बताती हूँ कि जी मैरिनेशन मैंने किस तरह करना है। इनके मैंने इसी तरह पीसीस करनी है, इसमें जब मैं ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी कुछ इस तरह है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जो है तिक्का मसाला, 1/2 चम्मच सूखा धनिया क्रश किया, 1/2 चम्मच सफ़ेद जीरा, थोड़ी सी माइनर सी हल्दी ये डाल दूँगी। बेसिक मसाले जो घर में रूटीन में ना हम खाने में डालते हैं, थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूँगी माइनर सा। ये जी डाल दूंगी जी। अब इसमें मैं चिली सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस ये भी 2 चम्मच डाल दूंगी जी इसमें। इसको मैं मैरिनेशन करके 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी, फिर मैं इसको जी अफ्तारी के टाइम में उसे ना इसको फ्राई करूंगी, और क्रम वो मैदा लगा के, और फिर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह मैं फ्राई करती हूँ। आपने भी मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें बरकतें। 2 चम्मच जी मैं इसमें सिरका डाल दूँगी, वाइट सिरका, ये 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ, फिर ये डाल दूँगी इसमें और इसको मिक्स कर लूँगी। इसी तरह मैरिनेशन करके तो मैं इधर रख दूँगी इसको फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए। अफ्तारी से पहले 10 मिनट पहले मैं इसको फ्राई कर लूँगी, अच्छी तरह ये मैरिनेशन हो जाएंगे। आपने इस तरह ज़रूर बनाना है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, और आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की बरकतें और साथ नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल करे, और आपके दस्तरखानों में और ज़िंदगी में बरकत डाले, आमीन। नहीं जी अभी मैं इसको 1/2 घंटे के लिए रखती हूँ, और इधर मैंने जो है ना वो मोंगरी रख दी है, वो बॉयल करनी, बस उसको भी उबाल आ गया, वो मैं पानी में स्ट्रेन करूँगी, बाद में इसका मसाला रेडी करती हूँ आपको। दो मीडियम साइज के प्याज चॉप किए वो मैं डाल दूंगी इसमें। इसमें मैंने अदरक का पल्प डाल दिया, हल्का से बस थोड़ा सा सोते होते हैं, फिर इसमें बाकी ड्राई मसाले डाल दूंगी, 7 आलू डाल दूंगी। अब इसमें ड्राई मसाले डाल दूंगी जी सारे, थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी पानी, ये दही वाला पानी है, थोड़ा सा क्रीम थोड़ी सी दरमिया कर दूंगी, थोड़ा ज्यादा स्लो है। इस टाइम पे डाल दूंगी इसमें टमाटर,
ये टमाटर है दरमियानी साइज़ की, और साथ इसमें डाल दूँगी ये सब्ज़ मिर्ची, ये 5-7 सब्ज़ मिर्ची थी ये भी मैंने चॉप करनी थी। आपने इसको अच्छी तरह मसाला बना लेना, इसके साथ ही फिर मैं जी इसमें आलू डालूँगी। आलू थोड़े से सेट हो जाएंगे, मूंगलियों को हमने उबाल कर लिया है, वो हमने उनसे ना 70% उसको पानी में ही हमने गला लेना है, तो करवाहट भी खत्म हो जाएगी और वैसे भी जल्दी बन जाते हैं। आप जो भी मैं रेसिपियाँ बनाती हूँ आप ज़रूर उसको फॉलो किया करें, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम करे और रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं। और मैं जो रेसिपियाँ आपके लिए बनाती हूँ ईजी और आसान लेके आती हूँ, आप ज़रूर ट्राई किया करें अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में, मैं जो भी रेसिपियाँ बनाती हूँ उसको शेयर किया करें और मुझे कमेंट बैक में फीडबैक दिया करें कि आपने रेसिपियाँ बनाई हैं। और आपने अगर कोई भी नई रेसिपी की फरमाइश हो तो आप मुझे फीडबैक करके कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं जी। के साथ ही जी आलू डाल दूँगी, आलू के साथ ही मसाले के टमाटर की सब्ज़ी मिर्च की बनाई कर दूँगी। 5 ना मीडियम साइज़ के आलू थे उनको अब मैंने छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर दी, आप जिस तरह मर्जी कटिंग करेंगे, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अल्लाह ताला आप सब पर रमज़ान की बरकतें नाजिल फरमाएं, सबको सहरियाँ रखने की तौफीक दे, अफ्तारियाँ में आप दोनों के रिश्तों में दस्तरखानों में बरकत डाली, और आप अपने दुआ में मुझे ज़रूर याद किया करें। और मैं जो भी आपके लिए छोटी छोटी नई नई और ईजी और आसान थोड़े टाइम में बनने वाली रेसिपियाँ लेके आती हूँ आप उसको ज़रूर ट्राई किया करें और फॉलो किया करें जी। इसमें 2 चम्मच दही भी डाला है मसाले के साथ बुनाई करने में, तो पानी मैंने सिर्फ इसमें 2-3 चम्मच डाला था, 2 चम्मच मैंने बाहर के दही भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें मोगरे डाल दूँगी, मोगरे हमारे पहले ही आप डालूँगी मैं इसको, इसके साथ ही बुनाई करूँगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, इसी तरह मैं 5-7 मिनट इसको भूनूंगी, बाद में इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रखूंगी और साथ ही शिमला मिर्च डाल दूंगी जब दम डालूंगी, और 5-7 मिनट से ना उसको सब्ज मिर्चें डाल दूँगी। शिमला मिर्च का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी इसमें ज़रूर डालें, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये ज़रा थोड़ा चेंज हो जाता है जी, आप दूसरे सालन शोरबे वगैरह से ज़रा चिकन से हट के थोड़ी सी सब्ज़ी भी खाने को दिल करता है, ये साथ मैंने इसलिए थोड़ी सब्ज़ी साथ बनाई है। मैंने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है और साथ सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी है। अब मैंने इनको बस मैदान में पा दिया, अभी मेरा खाना जो सा बिल्कुल रेडी हो गया, अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप इसको फाइनल को दिखाती हूँ। तो साथ ही जल्दी मैं जो विंग्स बनाते हैं ना वो जो उनसे उसको मैं क्रम्स लगा के वो फ्राई करने लगी। ये जी मैंने अब ये क्रम्स जो उनसे ना इसके मैंने इसके अंदर मैदे के अंदर इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर ली है, इस तरह करके आपने भी इसी तरह करने हल्के हल्के हाथ से ये सारे जो उनसे ना मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। एक दफ़ा फिर इसको मैंने करके फिर इसमें पानी में रखा है, अब मैं जो उनसे ना इसके क्रम्स बना लिए और ऑयल गर्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल दूँगी जी। फ्लेम आपने ज़्यादा फुल नहीं करनी, फिर मैंने फ्लेम पर बना लिया, इसी तरह मैं ये सारे डाल दूँगी और बाकी वो इसी तरह मैं बना लूँगी। आपने एक दफ़ा इसको मसल के पानी में डालना है, फिर दोबारा पानी अच्छी तरह इसका स्ट्रेन करके फिर इसको हल्के हल्के हाथ से आपने इसके अंदर मसल, फिर मैंने फ्लेम पे बनाना है, फुल फ्लेम पे नहीं बनाना क्योंकि ये जो उनसे ना हमारे विंग्स कच्चे हैं तो फिर अंदर तक ना अच्छी तरह ये टेंडर नहीं होंगे। जी इसके साथ ही चॉकलेट वाला दूध बनाया, इसमें कोको पाउडर ऐड करके और चॉकलेट जो था ना मेरे पास ये था फ्लेवर वाला वो डाल के दूध में चीनी डाल के ये मैंने बनाया। साथ ये क्रम्स हैं और ये जी आलू मोगरे बनाए हैं, इसके साथ मैंने पराठे बनाए हैं और दही बड़े हैं। आज आएँ जी आप मेरे साथ सारे अफ्तारी करें और आके मेरी जो डिशें बनाई हुई हैं उसको खाएँ, और अल्लाह ताला आप सबको भी सलामती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क में भी ज़िंदगियों में भी बरकत डालें और आपके दस्तरखानों में बरकत डालें, रमज़ान के साथ दें और बरकतें नाजर फरमाएं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में मैं जो भी बनाती हूँ रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। और आपको मिलती हूँ जी नई रेसिपी के साथ, ईजी आसान और यमी रेसिपी के साथ मिलती हूँ जी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।